अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा कटलेट। जो कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे। इंग्रेडिएंट्स आप उनके लिए नोट डाउन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था ग्रेटर से। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको ग्रेट कर लेना है। 3 आलू लिए मैंने तकरीबन, ये 1.5 पाव आलू हैं। 1.5 पाव ही हमारी चिकन थी जिसे हमने नमक डाल के सिंपल बॉईल कर लिया है और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से रेशर करके रख लिया है चिकन को। आलू को यहाँ हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से कीजिएगा ताकि आलू के लम्स ना रहें। देखते जाइए हमारी पूरी रेसिपी को। और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आती है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, बच्चों के लिए बनाइए, मेहमानों में सर्व कीजिए, हर किसी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जब आप ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह पिज़्ज़े को भूल जाएंगे। तो देखें जी, आलू को हमने बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। यहाँ पर हमने ले लिए हैं मैदा। मैदे को हमने 4 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमने कर देना है मिक्स। ऐसे गूंद लेना है जैसे हम अपनी आटा गूंदते हैं रोटियों के लिए, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको गूंद लेना है। इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, पिसा हुआ ब्लैक पेपर है हमारे पास, चिकन पाउडर इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर है 1.25 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, ओरिगैनो है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमने डो के अंदर इसलिए डाला है ताकि आपको हर बाइट में फ्लेवर और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो देखें जी, माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी डो बनके हो गई है तैयार। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, शाम के टी टाइम में इंजॉय कीजिए। यहाँ पर अब हमने चिकन को जो बॉईल करके रखा था उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जो कि मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है, बंद गोभी को कद्दूकस कर लिया है और शिमला मिर्च को। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इन सब्जियों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर 1/2 चाय का चम्मच हमने शामिल कर दिया पिसा हुआ काली मिर्च का। यहाँ पर चला गया लहसुन का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, बिल्कुल 2 चुटकी हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है, ओरिगैनो डाल दिया है यहाँ पर 1/4 टीस्पून, और ये आ गया हमारा चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा दुबाला कर देता है। और इस सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। चिकन हमारी बॉयल है, वेजिटेबल्स हमारी ग्रेट हैं बहुत ही बारीक बारीक, तो बस हमने इसको बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हमने चूल्हे पर इसको फ्राई नहीं करना है, ऐसे ही हमने फिलअप करना है। आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को। बस यहाँ पे हमने वो बैटर ले लेना है जिसे हमने गूंद के रखा था और हाथों की मदद से इस तरह फैलाते हुए अच्छी सी टिकिया बना लेनी है। इसके अंदर हम फिलअप कर देंगे अपनी वेजिटेबल्स और चिकन के बैटर को। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लीजिएगा। इस तरह हमने चिकन और वेजिटेबल के सारे बैटर को इसके अंदर थोड़ा थोड़ा फिलअप करा, और हमारे पास रखी हुई है पिज़्ज़ा चीज़, वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि आपको हर बाइट में मिले हेल्दी और टेस्टी कटलेट हमारे, जो कि बन के हुए थे बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी। तो हो जाएगी मेहमानों में आपकी भी वाहवाह जब आप बनाएंगे ये वाले पिज़्ज़ा कटलेट। तो ट्राई कीजिएगा, बच्चों को खुश कीजिएगा, बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बंद कर देना है। बस ये हमारा हो गया है तैयार। पहले इसको हमने कर लेना है, 1 अंडा हमने बीट करके रख लिया था, अंडे में फोल्ड करना है, फिर इसको हमने लगाना है ब्रेड क्रम में। ब्रेड क्रम मैंने घर का ही बना लिया था, बस बहुत अच्छी तरीके से हमने ब्रेड क्रम को प्रेस करते हुए इसके ऊपर लगा देना है हाथों की मदद से, ताकि ये अंदर से बहुत चीज़ी और बहुत सॉफ्ट यमी सा निकले और ऊपर से क्रंची क्रंची क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा कटला सोचा है तैयार। इसी तरह हमने ब्रेड क्रम को लगा दिया था बहुत अच्छी तरह से कोट करने के बाद।
हम 10 टू 15 मिनट के लिए अपने कटलेट्स को रख देंगे डीप फ्रीज़र में और फिर हो जाएंगे ये फ्राइंग के लिए रेडी। आप चाहें जो भी शेप दें, हमें गोल शेप देना था तो हमने गोल शेप ही दिया है, आप चाहें तो शेप को डिफरेंट भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। देखें जी माशाल्लाह से इसी तरह हमने अपने सारे कटलेट्स को कर लेना है तैयार। डो को फैलाते हुए हमने सारा बैटर इसके अंदर शामिल कर दिया है, सब्जियां और चिकन का और चीज़ भी इसके अंदर शामिल कर दी है, आप चाहें तो मज़रेला और चर्रर दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दें। हमने पिज़्ज़ा चीज़ लगाया है और बस इसी तरह हमने बना लिए हैं अपने पिज़्ज़ा कटलेट्स। भाई इतनी प्यारी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बस इसी तरह हमने कर लेना है अंडे के साथ फोल्ड, फिर लगा देना है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब हमने हाथों से दबा दबा कर बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब जो है बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाए। सारे कटलेट्स हमने इसी तरह बना लेने हैं। बच्चों के लंच बॉक्स का हुआ है मसला बहुत ही अच्छा सा हल, जो कि बच्चों को रखेगा हेल्दी और खुश। बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इसके अंदर सारे जायके मौजूद हैं, चीज़ है, वेजिटेबल्स है, चिकन है, पोटैटो है, तो हर हेल्दी फूड हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पे अंडे में फोल्ड करने के बाद हमने इसी तरह सारे कटलेट्स को ब्रेड क्रम्ब में फोल्ड कर लिया है। वन बाय वन हम अपने सारे कटलेट्स तैयार करते जा रहे हैं। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है, और टेस्ट का तो क्या ही कहना, जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता ही लग जाएगा कि ये वाकई कितनी ज़बरदस्त बनी थी। तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इंजॉय कीजिएगा, और सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती हैं। बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी बहुत ही पसंद आती हैं, हमारे घर में भी ये सबको ही पसंद आए थे। देखें जी ये मेरा हो गए हैं सारे कटलेट्स तैयार तकरीबन, और यहाँ पे हमने लास्ट वाले को भी कर लिया है एग में फोल्ड और फिर लगा लिया है ब्रेड क्रम में, और बस अब हम कर देंगे इनको 10 टू 15 मिनट्स के लिए मैंने इनको डीप फ्रीज़र में रख दिया, तो बहुत अच्छी तरह से ये हो गए हैं सेट। और हमने कर लेनी है इनकी फ्राइंग, बहुत ही अच्छे से हमने इनकी करनी है फ्राई, बिल्कुल दरमियानी आंच पे। देखिए जी माशाल्लाह से हमारा ऑयल गर्म हो चुका था और हमने अपने कटलेट्स इसमें शामिल कर दिए थे, बहुत ही एहतियात के साथ हमने इनको फ्राई करना है। देखें जी लुक माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त आई है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। तो आप इसी तरह अच्छा अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा बोलिए, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ही ज़्यादा ख्याल, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को रखिए हमेशा याद। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी अल्लाह ताला के हुक्म से, मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ाइनल लुक देखते जाइए, अल्लाह हाफिज़।